लेकिन हम एक एक करके, मैंने कहा कि जैसे कि जो जो हमने सवाल उठाए थे, तो ये सवाल तो हमने उठाया था ग्रेस मार्किंग वाला। ग्रेस मार्किंग के अलावा भी सवाल था, सवाल सिर्फ ग्रेस मार्किंग का नहीं था। जैसे कि हमने कहा और जैसा नितिन भी बता रहे थे कि एक ही सेंटर से पांच पांच छह छह टॉपर्स निकल आए, तो भाई ये क्या अनायास है? ये क्या आप इसे एक सहज और एक नॉर्मल बात मानते हैं? कैसे एक ही सेंटर से इतनी बड़ी संख्या में 720 के 720 पाने वाले बच्चे आ गए, जबकि पिछले पांच सालों का आप रिजल्ट देखते हैं, 2018 से 2022 तक के रिजल्ट देखते हैं, तो सिर्फ पांच सालों में सिर्फ दो बच्चों ने 720 में से 720 अंक लाए, और इस बार 67 बच्चों ने दो परफेक्ट स्कोर किया, 720 में से 720 अंक स्कोर किया। क्या यह सामान्य बात हो सकती है? और उसमें भी असामान्य बात यह है कि एक ही सेंटर से छह बच्चों को 720 नंबर आ रहे हैं, इससे ज्यादा संशय और कैसे हो सकता है? हमने और भी सवाल उठाए थे, हमने सवाल उठाया था कि भाई कैसे पटना में जिस दिन परीक्षा थी उसी दिन 13 गिरफ्तारियां हुई, और उन 13 गिरफ्तारियों में जो बात निकल कर आई, एफआईआर ये बताता है कि परीक्षा के एक दिन पहले खेमनी चक में एक बॉयज हॉस्टल में ऐसे 35 बच्चों को बिठाकर और नीट के परीक्षा के पेपर रटवाए गए थे, और उसके बाद उनको परीक्षा दिलवाया गया। यहां तक कि पोस्ट डेटेड चेक से लेकर के और जो उनके ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड और तमाम चीजें जो है वो पुलिस के पास है, पुलिस जांच कर रही है। भाई ऐसे में ये आरोप लग रहे हैं कि हो सकता है कि सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि ऐसे और भी सेंटर्स होंगे जहां पर कि ऐसे बड़े पैमाने पर हो सकता है कि पेपर लीक कर दिया गया हो और वहां पे सिलेक्टिवली बहुत सारे बच्चों को पेपर ऐसे रटवा दिया गया हो एग्जाम से पहले। लेकिन एनटीए क्या कह रहा है? एनटीए ने अपने प्रेस रिलीज में कहा है कि पेपर लीक की कोई घटना नहीं हुई और हम इस आरोप को सिरे से खारिज करते हैं। क्या इसे इस तरीके से खारिज किया जा सकता है? डॉक्टर संजय गर्ग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय गर्ग, क्या कहना है आपका इस? सर पहले तो मैं सुनील नयन सर और नितिन विजय सर का बड़ा आभारी हूं, इन लोगों ने इस मुद्दे को इतना जबरदस्त तरीके से उठाया है। मैं इनके गृह राज्य से हूं सर, राजस्थान से, तो मैं इनको देखता और सुनता रहता हूं। ये मामला आप मान के चलिए कि अगर 4 तारीख को पेपर अगर लीक हुआ है तो ये कार्रवाई पुलिस को या एनटीए को 5 मई को ही करनी चाहिए थी। हम भी जानते हैं कि एक सेट ऑफ पेपर नहीं बनते हैं, शायद दोनों लोग मेरी बात से भी सहमत होंगे, कई सेट ऑफ पेपर बनाए जाते हैं। आप एक हफ्ते एग्जाम को पोस्टपोन करके नेक्स्ट संडे को एग्जाम करा सकते थे, लेकिन क्योंकि हम लोगों का काम है कि एक सो कॉल्ड रैंक लिस्ट बना के हम एमसीआई को देना चाहते हैं, एमसीसी को, और हमारा काम खत्म है, तो हम हर बात से पल्ला झाड़ेंगे, आंख बंद करेंगे और इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। और इनको ये पक्का है कि हिंदुस्तान में सब लोगों की मेमोरी बहुत छोटी होती है, 2-4 दिन हल्ला मचाएंगे फिर सारे इधर उधर हो जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के लिए हल्ला मचाएगी, इधर उधर हो जाएगी और हम इससे पतली गली से निकल लेंगे। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं कि आपने बच्चों की बात समझी और इनको छोड़ना मत। ठीक है, सुदीप सिंह हमारे साथ हैं, गाजियाबाद से हैं, और सुदीप सिंह के बेटे ने नीट की परीक्षा दी है, और इनकी क्या, इनका क्या ग्रीवांस है, इनकी क्या शिकायत है, जरा एक बार सुन लेते हैं। सुदीप सिंह जी, सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद से हैं, और इनके बच्चे ने एग्जाम दिया था नीट का, रिजल्ट को लेकर के इनकी कुछ शिकायतें हैं। सुदीप सिंह जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। हाँ जी रंजीत जी, मैं आपको दो पार्ट में अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे बताऊंगा जी। सबसे पहले मेरे बच्चे ने 10th का एग्जाम देने के बाद से, मैं एक एफर्ट लेवल बताना चाहता हूँ, बच्चे का कितना एफर्ट लगता है। वो बच्चा 10वीं के बाद से अपने आप को उसने कमरे में बंद कर लिया और 2 साल तक उसको दिन और रात पता नहीं लगा कि कब दिन हो रहा है, कब रात हो रहा है, कब मुझे खाना खाना है, कब मुझे पानी पीना है। उस बच्चे ने एक तपस्या के लेवल से किया, तो हर बच्चा जो मार्क्स लाता है इस लेवल से गुजरता है। मेरे बच्चे ने 691 अंक हासिल किया, और जो बच्चा कल एम्स के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था, आज वो बच्चा इस चक्कर में पड़ रहा है कि मेरे को एक ऐसा कॉलेज मिलेगा जहां पे मैं नहीं जाना चाहता हूं। ये एक अभिभावक की तरह मैं बता रहा हूं। दूसरा, मैं नीट की तरफ बता रहा हूं, आप ये क्रोनोलॉजी समझिए। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ नीट ऐसा हुआ कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल दोबारा खोला गया। आप स्टार्टिंग से देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आज तक हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एग्जामिनेशन की लास्ट डेट दोबारा से ओपन करी जाए। तो ये एक रैकेट है जो वहां से स्टार्ट हुआ, एक प्लांड तरीके से साजिश वहां से रची गई
और उस है साजिश का कल्मिनेशन आज ये है कि जो भी बाकी रह गया उसको ग्रेस मार्क के रूप में आवंटित किया गया, जहां एक एक नंबर के अंतर पे दो दो तीन तीन हजार बच्चे बीच में आ जाते हैं 691 और 690 के बीच में। बिल्कुल, वहां पर 600 ठीक है सुदीप सिंह जी, आपकी बात आ गई कमोबेश। तो सुदीप सिंह की देखिए, आप इनकी पीड़ा को समझिए, इनके बच्चे ने 691 नंबर लाया है। अगर आप पिछले 5 साल का रिजल्ट देखेंगे तो पिछले 5 सालों में संभवतः, जैसा मुझे याद आ रहा है, 2019 का साल ऐसा था जब 691 नंबर लाने वाला बच्चा ऑल इंडिया टॉपर था, उसकी रैंक 1 थी। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करिएगा नितिन जी, और हो सकता है कि मैं साल में कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि 2019 का ही साल था जब जब 691 नंबर लाने वाला बच्चा ऑल इंडिया उसकी रैंकिंग 1 थी। और आज सुदीप सिंह कह रहे हैं कि उनके बेटे ने 691 नंबर लाया है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा। क्या किस लेवल का घालमेल चल रहा है, किस लेवल की धांधली चल रही है एनटीए के जरिए, आप इसका अंदाजा लगाइए। हमारे साथ सुनील नैन भी हैं, डायरेक्टर हैं बी वाइज क्लासेस के। सुनील नैन, आपने अभी तक जो रिजल्ट देखा है और जो जितनी बच्चों से आपकी बात हुई है, क्या मोटे मोटे तौर पर क्या क्या पॉइंट है जहां पर कि जिसका जवाब अभी भी सही सही तरीके से नहीं दिया है एनटीए ने? जी सर, देखिए आपके हाथ में जो पेपर है सेम पेपर मेरे हाथ में भी है और ये एनटीए का प्रेस रिलीज है जिसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं। मैं इनको एनटीए की वो 5 मिस्टेक कहता हूं कि जिससे एनटीए पूरा एक्सपोज हो रहा है कि आपने धांधली की है। इसमें इसमें सबसे पहला पॉइंट में लिखा सर, कट ऑफ ऑफ नीट यूजी 2024, और साथ में नीचे जो क्लैरिफिकेशन दिया गया, अगर आप टेबल में देखेंगे थर्ड कॉलम में, यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा है, यानी आप क्वालिफाइंग मार्क्स का वो कंपेयर करके लास्ट ईयर से कट ऑफ को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आप मीडिया को प्रेस रिलीज के थ्रू मिसगाइड कर रहे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है जो बताती है कि आपने धांधली की है। सेकेंड पॉइंट सर, जो ग्रेस मार्क्स वाला है, एनवी सर ने इसमें बहुत अच्छा टेक्निकल वे में बहुत अच्छा समझाया है, और इस पे अगर मैं और बात करूं भाई, आपने मान लेते हैं कि 10 मिनट किसी बच्चे को पेपर लेट मिला है, तो आप ग्रेस मार्क्स टाइम के बदले, लॉस ऑफ टाइम के बदले आप ग्रेस मार्क्स क्यों दे रहे हैं? हमारा ये मानना है आपको टाइम के बदले टाइम देना चाहिए। किसी बच्चे का पेपर अगर 10 मिनट लेट होता है तो आप उसका 5:30 बजे तक कराइए, किसी बच्चे का अगर 40 मिनट लेट आप 6 बजे तक कराइए, लेकिन आप ये नहीं करेंगे क्योंकि आपको धांधली करनी है। आपने बताया है सर, नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे इसमें 1563 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, 1563 बच्चे ऐसे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, और इसी की वजह से कहीं बच्चों के इतने ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं, लास्ट ईयर 615 नंबर पे लगभग 22,000-21,000 के अराउंड रैंक थी, जबकि इस बार 65,000 के अराउंड रैंक आ रही है, यानी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सेम मार्क्स पे 40,000 रैंक बढ़ गया। अगर हम इन 1563 को हटा भी दें तो बाकी बच्चा इतना ज्यादा स्कोर कैसे कर रहा है? 40,000 इतना उछाल नहीं आ सकता। हम टीचर इनका एनालिसिस करते हैं, एनवी सर ने भी किया होगा, पेपर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इजी नहीं है, 19-20 का फर्क हो सकता है, जिसके कारण मार्क्स 4 या 5 मैक्सिमम 8 नंबर ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ तो 40-40 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, 50 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। साथ में सर, इन्होंने ये भी दिया कि दो बच्चों के जो 718 और 719 आए हैं, जिनका एनवी सर ने भी जिक्र किया था कि ये जो 8 बच्चे हैं सेम सेंटर से हैं, इसमें से 6 बच्चे तो सिर्फ सिर्फ हरियाणा के हैं, और लास्ट के 2 बच्चे हैं जिन्होंने 719 और 718 स्कोर किया है, इसका कारण ग्रेस मार्क्स बताया गया है। अब मेरा क्वेश्चन एनटीए से ये है, किसी का 717 मार्क्स क्यों नहीं आया, 714 मार्क्स क्यों नहीं आया, 713 मार्क्स क्यों नहीं आया, 718 या 719 ही क्यों आया? 1563 में से क्या एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसके 717 आ सकते हैं? तीसरे पॉइंट पे अगर हम आए सर, 67 स्टूडेंट्स ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है, इसमें से इन्होंने बताया कि 44 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स फिजिक्स में एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन आंसर दिए गए हैं, उसके कारण बढ़ गए हैं। बिल्कुल, मैं आपसे पूछता हूं, आप जो सवाल उठा रहे हैं, आप जो सवाल उठा रहे हैं सुनील लैन, हमने कल भी ये सारे सवाल सिलसिलेवार तरीके से उठाया था कि कैसे किसी बच्चे को 719 और 718 नंबर मिल सकते हैं जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। फिर उसमें ग्रेस मार्क्स का जो झोल किया गया, हमने वो भी सवाल उठाया था कि जब आपने ग्रेस मार्किंग का पहले से अगर कोई प्रोविजन नहीं बताया है तो अचानक से आपने ग्रेस मार्किंग कहां